गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे चरक निदान, सेवन्थ चैप्टर, जिसका नाम क्या जाता है उन्माद निदानम व्याख्या श्यामम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाता है उन्माद के भेद। ठीक है, उन्माद के भेद तो जो श्लोक नंबर 3 है उसमें क्या है, इही खलु, ठीक है ना, पंचम उन्माद भवंती। तो 5 प्रकार के क्या उन्माद के प्रकार बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से आते हैं, वात पित्त कफ सन्निपात अगंतुज निर्मितज। ठीक है ना, तो इन्होंने कौन कौन से मान लिए, तो इन्होंने वातज पित्तज कफज सन्निपातज और अगंतुज, ये 5 प्रकार के माने गए हैं। ऊपर क्या हेड नोट पे आप लिख लो साइड में कि आचार्य चरक और आचार्य जो काश्यप हैं उन्होंने क्या है 5 ही माने हैं। ठीक है, तो 5 में कौन से आ गए, वही वाले वात पित्त कफ सन्निपातज और अगंतुज। ठीक है, और जो आ जाते हैं शुश्रुत आचार्य शुश्रुत वाग्भट षाडंगधर और माधव निदान, इन्होंने कितने माने हैं, तो इन्होंने माने हैं 6। कितने माने हैं, 6 माने हैं। तो 6 भेद कौन कौन से आ जाते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, वातज पित्तज कफज सन्निपातज ये सेम रहेगा। एक्स्ट्रा के ऐड हो जाते हैं तो मानस और विषज। ठीक है ना, मानस, ठीक है ना, मानस और क्या आ जाता है विष, ठीक है ना, पॉइजन होता है ना पॉइजन विष, तो विषज, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाते हैं उन्माद की संप्राप्ति। उन्माद की संप्राप्ति में क्या होता है कि जैसे जो व्यक्ति है, ठीक है ना, सबसे पहले उसने क्या है, दोष उत्पादक वाली जो चीज़ें थी वो उसने क्या है प्रकोपित हो गए दोष। ठीक है ना, उसने उन चीज़ों का क्या है सेवन किया, तो उससे क्या है जो दोष है वो प्रकोपित हो गए। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें जो दोष है जन्य जो हैं, ठीक है ना, वो 4 प्रकार के उन्माद जो है उनको क्या है वो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, उत्पन्न होने के बाद फिर उनके बाद क्या है तज्ञ था, तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, तो लक्षण में क्या है आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उन्हीं लक्षणों पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी आप पढ़ सकते हैं जैसे डरपोक दुखी मन वाले बड़े हुए दोष वाले मलिन विकृति दुष्टि, ठीक है ना, और अनुचित अनेक प्रकार के क्या है आहारों के विपरीत रीति में खाने वाले। ठीक है, जिस हिसाब से खाना चाहिए वैसे ना खाकर उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से खाना खाना, ठीक है ना, तंत्र प्रयोगों के विपरीत नियम करने से एवं अन्य विपरीत कर्म से क्या है शरीर की चेष्टाओं में करने वाले, अधिक क्षीण शरीर वाले। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं बता दी गई हैं। और उसके साथ साथ कौन से आ जाते हैं, तो उनमें बोल दिया कि जो व्यक्ति रहेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या है, तो उसमें यहाँ पर एक आ जाता है शरीर चेष्टा विषमा। ठीक है ना, जो शरीर की चेष्टाएँ हैं वो क्या है विपरीत कर्म से क्या है शरीर की चेष्टाएँ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बोला है कि काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोह, ठीक है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कौन कौन से थे, तो काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोह आयस, ठीक है ना, आयस शोक चिंता उद्वेग आदि का क्या होना बार बार, ठीक है ना, क्या होना कि बार बार क्या होना मन से विकृति होना। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। मनस्तु, ठीक है ना, उपहते बुद्धोच प्रचिलियात। ठीक है, तो इन्होंने क्या है ये नाम बता दिए गए हैं, उन्होंने बोला कि इस वजह से क्या होता है, तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो मनुष्य के मन में क्या होती है विकृति हो जाने से। ठीक है, मनुष्य के क्या है मन में विकृति हो जाने से और बुद्धि में क्या हो जाता है विचलित होने से उभरे हुए दोष जो है वो क्या हो जाते हैं प्रकोपित हो जाते हैं, दोषा प्रकोपिता। ठीक है, जो उभरे हुए दोष है तो वो क्या है प्रकोपित होना शुरू हो जाते हैं। प्रकोपित होकर वो क्या करते हैं कि हृदय में, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जाते हैं, एक तो हृदय में जाते हैं और दूसरा कहाँ है मनोवही स्रोतस में। ठीक है ना, तो हृदय में जाकर और मनोवही स्रोतस में जाकर क्या है आवृत हो जाते हैं और उससे क्या है उन्माद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखना कि उन्माद किस किस में कहाँ कहाँ आश्रित होता, तो हृदय में और मनोवही स्रोतस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है उन्माद। तो उन्माद का पूर्व रूप क्या बोला गया, उन्मादम, ठीक है ना, उन्मादम पूर्वम, ठीक है ना, किया जाता है उन्मादम पूर्व मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम विख्यात। ठीक है, ये चीज़ बता दी गई है। तो उन्माद के क्या है, इन्होंने 8 ये क्या है भाव बताए गए हैं, ये जो सभी नाम पढ़े वो क्या है भाव है। तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो मन बुद्धि चेतना ज्ञान स्मरण शक्ति भक्तिशील, ठीक है, शारीरिक चेष्टाएँ आचार की विषमता को क्या है उन्माद बताया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कि उन्माद के जो है कि भाव कितने हैं, तो भाव कितने होते हैं 8। कई बार श्लोका रख दिया जाएगा कि पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञानम स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार, ठीक है,
विभ्रम है। तो ये किसका आ जाता है, तो ये आ जाता है उन्माद का, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है उन्माद के पूर्व रूप, इंपॉर्टेंट है उन्माद के पूर्व रूप, तो जो जो टिक है तो उसी पे ही ज़्यादा ध्यान देना। तो उन्होंने पूर्व रूपानी तो कौन कौन से आए थे, तैगिया था, तो उन्होंने बोला कि शरीर से शून्यता, ठीक है, तो शरीर में क्या है, शिर में क्या हो जाएगी, शून्यता हो जाना। चक्षुर, ठीक है ना, जो चक्षु हैं मतलब जो नेत्र हैं उसमें क्या हो जाना, शोर अकुलता, ठीक है, तो उसमें क्या है, व्याकुलता उत्पन्न हो जानी। सुवन कर्ण्यो, ठीक है, तो क्या बोला गया कि कानों में क्या होना, शब्द सुनाई देना, ठीक है ना, सुवर्ण कर्ण्यो, तो जो कान है उसमें क्या है, शब्द सुनाई देना एज ए झंझनाहट की तरह। तो कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो हमने वातज, ठीक है ना, वातज ज्वर में पड़ा था और वातज गृहिणी का ही लक्षण है, ठीक है, और एक इसका है उन्माद पूर्व रूप का, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद बोला गया कि उच्छ्वास अधिक्यम, ठीक है ना, जो उच्छ्वास है तो उसमें क्या है, अधिकता, ठीक है ना, उसकी जो गति उसमें क्या अधिकता आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है हृदय द्रव, ठीक है, जो हृदय है उसमें क्या हो जाना, जकड़ाहट हो जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है कि बिना ध्यान अस्य, तो उन्होंने बोल दिया कि बिना समय की चिंता, ठीक है, बिना समय की चिंता करना। सतत लोम हर्ष, ठीक है ना, सतत मतलब हमेशा क्या रहता है, लोम हर्ष रहता है। ज्वर भीक्ष्णम, तो ये जो वर्ड है वो ध्यान रखने की, ज्वर भीक्ष्णम कहाँ आया है, छर्दी भीक्ष्णम कहाँ आया है, ब्रह्म भीक्ष्णम कहाँ आया है, ठीक है ना। तो जो ज्वर भीक्ष्णम है वो आ जाता है उन्माद में, छर्दी आता है रक्त पित्त में, ठीक है ना, और जो ब्रह्म है तो वो किस में आता है, तो वो आ जाता है जो नेक्स्ट चैप्टर है अपसमार में, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, तो बोला गया है कि उन्मंत चित्तवत, ठीक है, तो मन में क्या हो जाना, भ्रांति उत्पन्न हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है उदद, ठीक है ना, उदद जो रोग है उसका होना। उसके बाद आदृत, ठीक है ना, जो पैरालिसिस जो होते हैं, आदृत आकृतिकरण, ठीक है ना, आदृत रोग की तरह क्या होना, रूप धारण कर लेना, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्वप्न होगा, ठीक है ना, तो आदृत की तरह कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि स्वप्ने च भीक्ष्णम दर्शनम, ठीक है, तो स्वप्न में क्या है, भ्रांत, स्वप्न में क्या होना, भ्रम हो जाना, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। और इन्होंने क्या है, इन्होंने ये भी चीज़ बोली गई है कि मतलब कि एक तरह से ये चीज़ें देखने की, चंचल अस्थिर निश्चय मतलब जो क्या है, व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें जो निंदनीय हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को क्या है, बार बार देखना, ये भी चीज़ें क्या हैं, गलत मानी गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है जो यहाँ पर ये बताया गया है, तिल पीड़क, ठीक है ना, चक्र अधिरोहण, ठीक है, वात कुंडलिक, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बताया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि कौले के ऊपर सवारी करना, ठीक है ना, कोहरू के ऊपर ऊपरी सवारी करना, बवंडर के बीच में पड़ना, ठीक है ना, पड़कर शरीर को क्या है, मथना। उसके बाद आता है कुशित जल के क्या है, भंवर में डूब जाना, मतलब कि गंदे जल में डूब जाना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि चक्षुशोष, वही नेत्रों में क्या हो जाना, टेढ़ापन, ठीक है ना, टेढ़ापन आ जाना। यहाँ पर नेत्रों की व्याकुलता भी है, ठीक है ना, अकुलता, और क्या आ जाता है कि संपन्नी, ठीक है, तो ये भी क्या चीज़ें बताई गई हैं, इन चीज़ों का करना, ये चीज़ें बताई गई हैं। ये क्या है, ये पूर्व रूप है, ठीक है, पूर्व रूप है, तो याद रखना यहाँ पर क्या आ जाता है, हृदय द्रव आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो आ जाता है हृदय ग्रह है, तो हृदय ग्रह कहाँ आता है, तो वात ज्वर में है। हृदय लेप कहाँ है, तो वो पित्त ज्वर में आ जाता है। और हृदय ग्रह जो है वो कहाँ आ जाता है, उन्माद में, और साथ में कहाँ आ जाता है, तो वो आ जाता है अपसमार पूर्व रूप में, ठीक है। जो चक्षु गलानी है तो वो गर्भिणी का पूर्व रूप आ जाता है। उदग्ध जो है, उदग्ध कहाँ कहाँ है, तो उदग्ध सिर्फ क्या है, उन्माद पूर्व रूप में आया है, ठीक है, इस चीज़ का क्या आपको क्या है खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर जो उन्माद के भी क्या है, अरिष्ट लक्षण है, ठीक है, जो अरिष्ट लक्षण है वो क्या है, वो बताए गए हैं इंद्रिय स्थान में। तो इंद्रिय स्थान में उन्माद के भी अरिष्ट लक्षण कहाँ बताए गए हैं, तो चरक इंद्रिय पांच में, ठीक है ना, अध्याय पांच में क्या है, उन्माद के अरिष्ट लक्षण क्या है बताए गए हैं, ठीक है ना, मतलब कि स्वप्न में क्या देखने से क्या होगा, या फिर अरिष्ट लक्षण इसके क्या है बताए गए हैं, ठीक है ना, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है वातज उन्माद के सामान्य लक्षण क्या है, तो वातज उन्माद के सामान्य लक्षण में क्या आ जाता है, तो उसमें उन्होंने वही बोला है कि तज्ञा था कि कौन कौन से आ जाते हैं, तो परिसरण परिसरणम जस त्रयम, तो उन्होंने बोल दिया कि लगातार क्या है, वो घूमता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हस्तपाद, ठीक है ना, हस्तपागंग
अवीक्षेन म अस्तमाक, ठीक है। तो इसमें आया था कि लगातार जो है वो क्या करता है कि अपने हाथ पैर, ठीक है ना, हाथ पैरों के अंगों को क्या है वो चलाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है सतत नियमिताम, ठीक है, च गिरम, ठीक है, उत सर्ग। तो उन्होंने क्या बोला गया है कि हमेशा क्या है, ठीक है ना, सतत मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है ना, वो क्या करता है, लगातार क्या करता है, असंबंध बोलता रहता है, ठीक है ना, असंबंध क्या है वो बोलता रहेगा। उसके बाद फेन आगम आस्य, तो मुख में से क्या है, फेन मतलब क्या है कि झाग आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वीणा, ठीक है ना, वीणा वंश शंख। तो उन्होंने ये बोला गया है कि जैसे कि वीणा वीणा वंश मतलब बांसुरी होगी या शंख हो गया, ठीक है, ताल आदि शब्दों के है ऊंचे स्वरों के क्या अनुसरण करता है, ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या है अनुसरण करता है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि यानम, या देखो क्या लिखा है, यान मयाने, ठीक है, यान मयाने मतलब जो सवारी ना होने पर भी क्या है सवारी बनाकर चलता है, उसको ये बोला गया है, ठीक है ना। इन चीज़ों का क्या है ध्यान रखना है। तो ये सारे लक्षण किसके आ जाते हैं, तो वातज क्या है, उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। एक यहाँ पर क्या आ जाता है, उत्पिंडितवाद, ठीक है, अरुणक्षता। तो उन्होंने बोला कि आँख जो होंगे तो वो कैसे रहेंगे, वो बाहर की तरफ पिंडित रूप में बाहर की तरफ रहेंगे और कैसे रहेंगे, लालिमा युक्त होंगे, अरुण, ठीक है ना, अरुण वन के होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये वातज क्या है, उन्माद क्या है, तो उन्माद में क्या अरुण वन भी आता है। लेकिन अगर अपसुमार की बात करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा कि उत्पिंडित अक्षत, मतलब क्या है कि जो आँख के जो आई बोल्स हैं वो क्या है, बस वो ही निकले हुए होंगे, कोई रेडिश कलर का साइन नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पित्तज उन्माद। तो पित्तज उन्माद में क्या बोला कि अमर्श, ठीक है, मतलब कहता है सहन ना करने वाला, क्रोध, वही क्रोधी आ जाएगा, अभी द्रव, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें सब आप आराम से पढ़ सकते हैं कि अमर्श हो गया, क्रोध, बिना स्थान के जोश, ठीक है ना। उसके बाद अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर शस्त्र, मिट्टी का ठेला, कोड़ा, लकड़ी आदि से आघात करने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है दौड़ना, ठीक है, छाया, ठंडा जल और अन्न की इच्छा, ठीक है, ये सारे बताए गए हैं। तो अभिद्रव है, यहाँ पर जो वर्ड आया था ना अभिद्रवनम, तो वो क्या है, उसका मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। उसको कहता है संताप श इति बेलम, ठीक है, कहता है संताप मतलब क्या, शरीर का बार बार क्या होना, ताप होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला यहाँ पर क्या बोला गया है कि ताम्र हरिद्र, ठीक है ना, ताम्र हरित हरिद्र स रंभता क्षता, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि ताम्रवन का हरा, ठीक है, या लाल, हरा, हल्दी के या तरह या पीला, ठीक है ना, वो क्या है कलर इन्होंने क्या है बता दिए हैं, और क्या है सूजन होता है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है स्वेलिंग, ठीक है ना, सूजन जनक क्या होता है, ये चीज़ें क्या है वहाँ पर बता दी गई हैं। नेक्स्ट अगला आया था कफज उन्माद के लक्षण। तो उसमें बोल दिया कि स्थानम एक देश है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि वो एक ही देश पर, एक ही स्थान पर क्या है वो बैठा रहता है। तूषणीम, ठीक है, तूषणीम भावम, तो वो क्या है मौन रहता है। उसके बाद आता है अल्पश्चक चक्रमन, ठीक है, तो वो क्या है थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, वो थोड़ा ही क्या है इधर उधर घूमता है, ठीक है। उसके बाद लाला शिंगा, तो उन्होंने बोल दिया कि नाक में से क्या है, मुख में से, ठीक है ना, इन्होंने क्या है मुख में से और नाक में से क्या होगा शराब होगा। उसके बाद अन्न अभिलाषिनी, तो अन्न जो होगा उसका क्या है अभिलाषा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि नहीं करता है, उसके बाद रहस्य, ठीक है ना, रहस्य कामता, तो वो क्या है एकांत प्रिय रहना ज़्यादा पसंद करता है। विभिदसितम, इसका मतलब होता है कि शरीर उसका कैसा होता है, तो गंदा होता है। शोच द्वेषम, तो वो क्या है सफाई को पसंद नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्वप्न नित्या, ठीक है, एक तो वो सफाई को पसंद नहीं करता है और सोता अधिक है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है श्वेतु अन्य, तो उसमें क्या है कि मुख में क्या रहता है शोथ हो जाता है, मुख में क्या हो जाता है शोथ हो जाता है। ये किसके आ जाते हैं, तो कफज उन्माद के क्या है ये लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला जाता है त्रिदोषज उन्माद के लक्षण क्या है। तो त्रिदोषज उन्माद में क्या होता है, तीनों दोषों के लक्षण क्या है, कि यदि जो भी निकलता है उसको क्या है, मतलब तीनों लक्षण जो हैं जैसे वातपित्त कफ ही इसमें आएंगे, जो लक्षण मिक्सचर सा इसमें दिखेगा तो वो सारे क्या है त्रिदोषज उन्माद मान लेना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है संक्षेप में क्या है दोषज उन्मादों की चिकित्सा सूत्र बताएं, ठीक है ना।
तो दोषी उन्मादों के अगर चिकित्सा सूत्र देखेंगे तो इसमें सिंपल बोल दिया है कि साध्य तीन उन्माद होते हैं, उसमें क्या है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, उपशय, ठीक है ना, उपशमनम, नस्य, धूम, धूपन, अंजन, अपीड़न, प्रधमन, अभ्यंगन, परिसेचन, अनुलेपन, वध, बंधन, ये सारे क्या हैं, बताए गए हैं, ठीक है ना। इसको ना आप श्लोका में पढ़ लेना, ये सारे क्या हैं, बताए गए। इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अगर उन्माद हो तो उसमें क्या है, पंचकर्म क्या है, करवा सकते हैं, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। और उसमें क्या है, ये भी बताया गया है कि याद रखना कि इसमें जो नस्य की जो टाइप्स हैं तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स बताई गई हैं, तो उसमें प्रधमन, ठीक है, अवपीड़न, तो ये क्या है, इसकी टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि अद्रव्य चिकित्सा क्या है, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बताई गई है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है, डराना है, ठीक है, या आश्चर्य करना है, विस्मापन, ठीक है, वित्रासन, ठीक है, तो ये जो है चीज़ें, ठीक है, तो ये क्या है, डराना हो गया, या क्या है, आश्चर्य उत्पन्न करना, विस्मारण, ठीक है, उसको भुलाना, ठीक है, ये चीज़ें जो है, ये क्या है, इसमें मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें कोई द्रव्य की ज़रूरत तो नहीं है। तो याद रखना कि क्या आ जाएगा कि अद्रव्य चिकित्सा क्या इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, ये चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है अगंतुज उन्माद। तो अगंतुज उन्माद कौन से होते हैं, जो उन्माद के है दोषज, ठीक है ना, उन्मादों के कारण पूर्व रूप लक्षण वेदना उपशय से विशेष भिन्न कारण एवं लक्षण वाला होता है, उसे क्या है, उन्माद लक्षण, उन्माद मतलब अगंतुज उन्माद कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल इसमें आपको ये जो श्लोक है उसमें बस जो यहाँ पर टिक लगाया हुआ है बस उसी पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या बोला गया, तो इसमें आ जाता है कि हेतु, इसका हेतु क्या है मुख्य रूप से, तो वो बोला गया प्रज्ञा अपराधेति, ठीक है ना। तो उन्माद का कारण मुख्य रूप से क्या माना गया, तो पूछ लिया जाता है कि उन्माद का मुख्य रूप से कारण क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आ जाता है प्रज्ञा अपराध, ठीक है ना। अगंतुज में मुख्य कौन सा कारण है, तो वो आ जाता है प्रज्ञा अपराध। नेक्स्ट अगला आता है इसका पूर्व रूप क्या है, ठीक है ना, इसका पूर्व रूप क्या है, तो जहाँ जहाँ टिक है वो ही देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले क्या है कि जो देवता है, देख लो इसमें त्यज्ञयथा में बोला गया है कि देव, गो, ब्राह्मण, ठीक है, तपस्वी नाम, हिंसा रुचिकत्वम, तो उन्होंने बोल दिया कि जिसको क्या है देवता, गो, ब्राह्मण, तपस्वी को मारने की इच्छा रहती है, ठीक है, वो क्या है, मतलब इन चीज़ों को मारने में क्या अधिक प्रेम करने वाले होते हैं, कोपनत्वम मतलब क्रोधी होते हैं, निशासब अभी प्रियता, तो दूसरों के अपकार, ठीक है ना, उपकार नहीं है अपकार में रत रहती है, मतलब क्या है नुकसान कराने में क्या है हमेशा रहते हैं, अरति बेचैनी हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ओज, वन, छाया, बल, वन, ठीक है, और ये जो पुरुष होते हैं तो उनका क्या है उपतापित, तो उन्होंने बोल दिया है तो उस व्यक्ति का क्या है ओज, वन, छाया, बल, शरीर में क्या है उपताप होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ें बता दी गई हैं। नेक्स्ट अगला जाता है कि जो भूतज उन्माद होता है उसकी होने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, भूतज उन्माद में, तो उन्होंने बोल दिया है कि तत्र उन्मादम कारणम भूत अनुमादम, ठीक है, तो विशेष है इन्होंने क्या है बता दिया गया है कि उत्पन्न उन्माद उत्पन्न की इच्छा होने पर इसका क्या है विशिष्ट पूर्व रूप आरंभ करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, तो अबलो, ठीक है ना, अबलो कयंतो देवा, ठीक है, अबलो कयंतो देवा जनस्य, ठीक है ना, जनस्य उन्मादम, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो देवता रहते हुए भी क्या है उन्माद को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो देवता रहते हुए भी क्या है उन्माद को उत्पन्न करते हैं, गुरु, वृद्ध, ठीक है, सिद्ध महर्षि, ठीक है, उसके बाद अभिशापत है, तो उन्होंने बोल दिया कि अगर गुरु, ब्राह्मण या फिर वृद्ध हो गया, महर्षि हो गए, ये शाप देते हुए, उसके बाद पितर दर्शयन्ते, तो पितरों के क्या है पितर ग्रह के धमकाते हुए, ठीक है, स्पर्शन्तो गंधर्व, तो गंधर्व को स्पर्श करते हुए, ठीक है, समाविशंतो, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि यक्ष शरीर में क्या है प्रवृष्ट होते हुए, ठीक है, समावंतो यक्ष है, तो उसके बाद राक्षस, तो राक्षस सत्व, ठीक है ना, स्वतोम गंध, तो इसमें बोल दिया गया कि जो राक्षस है, ठीक है ना, राक्षस कच्चे मांस को क्या है सूंघते हुए, ठीक है, पिशाचा, जो पिशाच होते हैं उसका क्या है पुनर, ठीक है ना, तो पुनर उसकी क्या है सवारी करते हुए, उस ग्रह की क्या है सवारी करते हुए, तो उन लोगों में क्या है
भूतज उन्माद क्या उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे रख के पूछ ले जाते हैं कि गंधर्वों के क्या करने से, पितरों के क्या करने से, ठीक है। तो गुरुजनों के या फिर वृद्ध जन महर्षि जो हैं उनके लिए क्या है, स्पर्श मात्र से उनके शाप मात्र से है, गंधर्वों के स्पर्श से है, उसके बाद जो पितर हैं उनके दर्शन से हैं, मतलब धमकाते हुए से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं आपको ध्यान रखनी है। या जो राक्षस है उनके क्या है कि कच्चे मांस को सुंघाते हुए जो पिशाच है उनके ग्रह की क्या है सवारी करते हुए, ठीक है, उन्माद रोग क्या हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला जाता है, देवादि ग्रहों के आवेश होने के कारण, ठीक है ना। तो ने बोल दिया कि जो उन्माद उत्पन्न होने वाले देवादि भूत के उन्माद जो होते हैं वो तीन प्रकार के प्रयोजन बताए गए हैं, मतलब तीन कारण होते हैं। तो वो तीन कारण कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हिंसा, रति और क्या जाता है अभ्य चरण, ठीक है। तो कौन से, हिंसा मतलब मारने के लिए, रति मीन्स मैथुन और चरण मीन्स पूजा, ठीक है ना, अभ्य चरण मीन्स पूजा। तो ये क्या है, तीन कारण बताए गए हैं। और इसमें ये भी बोला गया है कि तत् साध्यम, ठीक है ना, इसमें साध्यम और असाध्यम के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। इसमें ये भी बोला गया है कि इतर में क्या है, इसमें क्या है जो दो हैं मीन जो रति है और पूजा की इच्छा से पकड़ने वाले ग्रह जो होते हैं वो क्या है साध्य माने गए हैं, ठीक है ना। जो हिंसक है वो असाध्य हैं, ठीक है, थीके? जो क्या है जानबूझ के प्राणों को नष्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, थीके? तो वो आ जाते हैं असाध्य में। लेकिन जो होते हैं अरति और कौन से होते हैं पूजा की इच्छा से पकड़े जाने वाले ग्रह, तो वो क्या होते हैं, वो साध्य होते हैं, ठीक है। ये चीज़ का क्या है ध्यान रखना है, याद रखना कि जो आचार्य चरक हैं, ठीक है ना, आचार्य चरक हैं, सुश्रुत हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या है और माधव हैं, उन्होंने क्या है जो भूत उन्माद है उसको क्या है अलग से बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि जो भूत उन्माद होते हैं तो वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं आठ, कितने होते हैं आठ होते हैं। उसी प्रकार जो वाग्भट है उन्होंने कितने बताए हैं, तो 18 बताए हैं, और जो षडंगधर है उन्होंने कितने बताए हैं, तो 20 बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, जैसे कि हमने बोला कि ऊपर जो दो होते हैं वो क्या है साध्य होते हैं, तो साध्य की ग्रह की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या है दैव पाशर चिकित्सा बताई है जो कि 14 है। तो उसमें क्या बोला है, मंत्र औषधि मणि मंगल बल्ले उपहार, ठीक है ना, बल्ले उपहार होम नियम व्रत प्रायश्चित उपवासन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है बता दी गई हैं। उसके बाद स्वास्तिक वचन प्राणीपात और स्थान को त्याग करके है अलग जाना ही ये क्या है पांचों उन्माद के लिए बताया गया है। तो अगर इसको हम टोटल काउंट करते तो कितने बनते हैं 14। तो याद रखना कि मंत्र औषधि मणि, कई बार क्या होता है रख कर पूछ लिया जाता है कि ये किसकी चिकित्सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है कि उन्माद की चिकित्सा में इसके बारे में क्या है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला आता और भी, तो और भी में क्या बोला गया कि प्रज्ञा अपराधे सभूते व्याधो कर्म आत्मन है। तो उन्होंने बोला कि प्रज्ञा अपराध, ठीक है ना, जो जानबूझ के किए जाते हैं, तो प्रज्ञा अपराध से यदि बुरे कर्म करने के फल स्वरूप व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो क्या करना चाहिए, विद्वान ना देवता को ना पितर को ना राक्षस को क्योंकि को प्रलब्ध दे अर्थार्थ दोपी ना बतावे, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। और भी इसमें बताया गया कि आत्ममेव, ठीक है ना, मैते कृतार सुख दुखेव, ठीक है ना, इसमें बोला गया कि सुख और दुख का जो करता है अपने आप को ही मानना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसी को मान लेते हैं तो उससे क्या होगा, ये कल्याणकारी है, ठीक है ना, ये कल्याणकारी और मार्ग का क्या है अवलंबन करता है, ठीक है ना, अवलंबन करे। इस तरह क्या है जो चैप्टर है, कई बार क्या होता है श्लोका रख दिया जाता है कि आत्मवेन मतेन करतेन सुख दुखेव, ठीक है ना, तस्मात, ठीक है, ऐसे करके क्या है श्लोका रख सकते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ क्या है आगे बढ़ते हैं।